देखो खुद की वीडियो है, खुद का आवाज है, फिर भी रीयूज्ड कंटेंट आ गया। क्या हाल, ठीक हो? चैनल मोनेटाइज नहीं हो रहा है, दुखी हो चुके हो, परेशान हो? नहीं होगा मोनेटाइज, क्योंकि आपने जो गलती करी है ना, ये गलती छोटी मोटी गलती नहीं है, ये आपकी गलती, आपकी एक गलती की वजह से आपका चैनल मोनेटाइज नहीं हो रहा है। और हो सकता है पहले मोनेटाइज रहे हो, 100-200 डॉलर बने रहे हो, 10-20 हजार रुपए आपके आने वाले रहे हो, और अचानक से मेल आ गया कि काम खत्म है आपका। देखो इनका भी वही हाल था, देख लो आपके सामने दिखाता हूँ। ये भाई साहब जो थे, क्या लिखा है यहाँ पर, रीयूज्ड कंटेंट, अपील भी एक्सेप्ट नहीं हुई। यूट्यूब ने कहा भैया तुम क्या कर रहे हो, फ्रॉड कर रहे हो, फेक कर रहे हो, गलत कर रहे हो, तो उसके बाद हमें बता रहे हो कि आप सही करो सही करो सही करो, अपील कर रहे हो, अपील से थोड़ी ना ऐसे मोनेटाइज हो जाएगा। आपने टेक्निकल प्रभाकर को दिखाया जाके? तब इन्होंने कहा भैया नहीं दिखाया है। तब इन्होंने मैसेज किया एक बार, और मैसेज करने के बाद क्या हुआ, देखो यहां पर ये चैनल अभी के डेट में मोनेटाइज है। एक बार बताने के बाद ना, कोई भी ऐसा चैनल नहीं है जो मोनेटाइज ना हो, एक बार अगर बता दिया तो मोनेटाइज होना ही होना है, बस तरीके से फॉलो करना पड़ेगा आपको मेरी बातों को। अगर आपका चैनल डीमोनेटाइज हो गया है, भले ही वो रीयूज्ड रिपीटेड किसी भी कारण हुआ है, किसी भी कारण, बस आपको जो जो बातें बताऊंगा इन बातों को फॉलो कर लेना, आंख बंद करके, कोई प्रॉब्लम 100% नहीं होगी, ये गारंटी ले रहा हूं। लेकिन क्या होता है कि आप लोग फॉलो नहीं करते हो। देखो समझो, इनके चैनल पर प्रॉब्लम इस तरीके से आई रीयूज्ड की, कि ये समझ ही नहीं पा रहे थे क्या करूं। क्या लिखकर आया देखो यहां पर, हाय प्रवीण पुजारी गोगा मड़ी, थैंक्स फॉर टॉकिंग पार्ट ऑफ आवर वीडियो अपील पायलट प्रोग्राम, आवर टीम हैज केयरफुली रिव्यूड योर अपील वीडियो एंड योर चैनल, बट वी आर नॉट एबल टू एक्सेप्ट योर बैक इनटू द YouTube पार्टनर प्रोग्राम एट दिस टाइम। इसका मतलब ये होता है कि आपकी वीडियो को हमने देखा, YouTube कह रहा है आपकी वीडियो को हमने देखा, बहुत अच्छे से देखा, लेकिन आप थोड़ा स्मार्ट थे, थोड़ा दिमाग ज्यादा लगा रहे थे, इसलिए हमने आपके चैनल को मोनेटाइज नहीं किया है। आप प्लीज अपने चैनल पर अच्छे से काम करो, दूसरे की वीडियो को डिलीट करो, एक जैसी वीडियो दो चैनल पर डाल रखे उस चैनल से हटाओ, फिर चैनल मोनेटाइज होगा। आपको मैं बता रहा हूं इन चीजों को फॉलो कर लेना, अगर आपका चैनल डीमोनेटाइज हो गया है, परेशान हो, कुछ समझ में नहीं आ रहा, तो यार दुखी हो जाओगे, 6-6 महीने लग जाएंगे, आपकी मेहनत बेकार हो जाएगी, आपको कोई बताएगा नहीं, सब व्यूज के चक्कर में रहेंगे, किसी तरीके से व्यूज आ जाए। लेकिन इधर आपका भाई व्यूज नहीं देख रहा है, आपको नॉलेज दे रहा है, ऑथेंटिक नॉलेज, बस आपको उसको देखकर फॉलो करना है। ये हमारे पास व्हाट्सएप पर कैसे जुड़े वो भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन उसके पहले थोड़ा समझ जाओ यार, समझ लो, थोड़ा सा समझ लो। इनका दो चैनल था, इन भाई साहब का दो चैनल था, और चैनल दो था, तो उसके बाद इन्होंने एक ही वीडियो को दोनों चैनल पर अपलोड कर रखी थी, चैनल डीमोनेटाइज हो गया, रीयूज्ड आ गया, परेशान हो गए, क्या करूं कैसे करूं। अब आज की डेट में इनका चैनल इसलिए मोनेटाइज है क्योंकि एक चैनल से वीडियो डिलीट करी, जहां पर पहले अपलोड किया था वहां की वीडियो पड़ी है, जहां दोबारा अपलोड किया, बाद में अपलोड किया, वहां से उनकी वीडियो हटाई गई, पहली बात। दूसरा, आप जब भी कोई भी वीडियो डालें तो वीडियो में मेरे भाई आपकी अपनी आवाज होनी चाहिए यार, आप अपना बोलो। इनकी तो सब वीडियो में आवाज भी थी, इनकी हर एक वीडियो में आवाज भी थी, मैं इनके चैनल को एक बार ओपन करके आपको दिखा भी देता हूं, इनकी एक वीडियो में आवाज थी, लेकिन अब आवाज रहती है तब भी रीयूज आ जाता है, तब कहते हैं भैया यार क्या करें, सब चीज तो अपना है फिर भी चैनल पर रीयूज आ रहा है। देखो सुनो, पॉपुलर वीडियो दिखाता हूं, ये देखो 183,000 व्यूज हैं, देख लो आपके सामने अभी दिखाता हूं, 183,000 लोगों ने देखा है, तो जरूर इस वीडियो में कोई बात रही होगी, तभी देखा है। देखो खुद की वीडियो है, खुद का आवाज है, फिर भी रीयूज कंटेंट आ गया, कैसे सॉल्व किया जाए समझ में नहीं आ रहा है। हर एक चीज को बताता रहता हूं लेकिन क्या करोगे, बातें तो सुननी नहीं है, आधी वीडियो देखकर चले जाना है। आधे लोग देखते हैं, जो देखते हैं उनका चैनल प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है, और जो नहीं देखते वो आते हैं, घंटी बजा रखा है, क्योंकि आएंगे, देखा एक मिनट, अरे यार ये तो वही चीज बता, बस चले गए। अब ये नहीं देखा कि बीच बीच में क्या क्या चीजें बताई गई हैं। मैं आपको बता रहा हूं दो चार चीजें, बहुत ध्यान से समझो, आपके एडसेंस की वजह से भी आपका चैनल डीमोनेटाइज हो जाता है, रीयूज एक्सेप्ट नहीं होता, ये बात ध्यान रखना, एडसेंस भी चेंज करना पड़ता है अगर आपके चैनल पर प्रॉब्लम है तो। दूसरा, रीयूज जब आता है आपके चैनल पर, जब आपने दूसरे की वीडियो जो यूज की है उस वीडियो से, जैसे मान लो आपकी एक वीडियो 5 मिनट की है, समझिए आपकी एक वीडियो 5 मिनट की है, उस 5 मिनट के वीडियो में 3 मिनट आपने किसी और का कंटेंट यूज किया, और ज्यादातर लोग सिर्फ वही 3 मिनट देखते हैं, ज्यादातर लोग वही 3 मिनट देर तक देखते हैं और नहीं देखते हैं, तो वॉच टाइम किससे आया, उसी 3 मिनट से आया, तो YouTube क्या करेगा, रीयूज्ड भेज देगा, क्योंकि उसी से आपका वॉच टाइम आ रहा है। तो ऐसे में आपको अपने चैनल को मोनेटाइज करने के लिए ये काम नहीं करना है, ये स्पष्ट बता रहा हूँ, ध्यान से समझ लो, बार बार नहीं बताता हूँ इसलिए बता रहा हूँ, ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है आपके चैनल के लिए, समझ गए। अब आगे आपको बता रहा हूँ, बहुत लोग क्या करते हैं कि वो कहते हैं कि 2-4-10 वीडियो डाल देते हैं, बाद में डिलीट कर देंगे, यार अभी तो रीयूज आएगा नहीं, अभी अपील होगा नहीं, अभी अप्लाई करूंगा नहीं, जब करूंगा तब डिलीट कर देंगे और अप्लाई कर देंगे, होता है मोनेटाइज, लेकिन 70% लोगों का डीमोनेटाइज भी हो जाता है, ये चीज ध्यान रखो, बार बार नहीं बताता हूं, ये काम कर लेना जो बताया है। सबसे पहले अपनी वीडियो डालना स्टार्ट करो, दूसरे की वीडियो को डिलीट करो, अपील करना है तो अपील कर दो, 5 मिनट से छोटी की वीडियो बनाओ अपील करने की, ठीक है। अगर
आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिस्क्लेमर नहीं लगा तो लगा देना, मेरे डिस्क्रिप्शन से कॉपी कर लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और डिस्क्लेमर लगाते टाइम ये ध्यान रखना किस कैटेगरी का आपका चैनल, एजुकेशनल का है या किसी और कैटेगरी का है। अगर एजुकेशनल का है तो बहुत अच्छी बात है, ओके, ये चीज समझ गए। इतना काम कर लेना, आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं मेरे भाई। अब आपके मन में एक सवाल आया होगा, बहुत बड़ी सवाल, ये बहुत बड़ा सवाल रहता है कि भैया ये बताओ कि ये आपके चैनल पर कैसे पहुंचे, ये आपके व्हाट्सएप पर क्या कर रहे हैं, कैसे पहुंचे, आपके व्हाट्सएप पर पहुंचने के लिए क्या किया जाए। देखो, हमारे व्हाट्सएप पर पहुंचने के लिए आपको हमारी मेंबरशिप लेनी पड़ेगी। मेंबरशिप लेने के लिए आपको हमें इंस्टाग्राम पर मैसेज करना होगा। इंस्टाग्राम पर मैसेज करिए, लिखिए आई वॉन्ट टू पेड मेंबरशिप, आई वॉन्ट टू वीडियो कॉल, ये दो चीजें आप लिखेंगे। उसके बाद आप लिखिए वीडियो कॉल के बगैर हम पेमेंट नहीं करेंगे, ये लिख देना, वीडियो कॉल के बगैर हम पेमेंट नहीं करेंगे। वीडियो कॉल करेंगे, उसके बाद आपसे बात करेंगे, फिर पेमेंट करेंगे, ये चीज लिख देना। उसके बाद आपके चैनल पर जो भी प्रॉब्लम होगी वो हम कर बताएंगे, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कराएंगे। लेकिन आपकी प्रॉब्लम में ये होना चाहिए कि भैया आपसे मैं बात कर पाऊं, वीडियो कॉल कर पाऊं, उसके बाद ही काम होगा। तो वीडियो कॉल बहुत जरूरी है, आपको ध्यान में रखना है पेमेंट करने के पहले, ये बात ध्यान रखना। आईडी पासवर्ड हम किसी से नहीं लेते, अगर आपसे कोई मांग रहा है तो मेरे नाम पर फ्रॉड फेक कर रहा होगा, बच के रहना, ठीक है। आपका चैनल मोनेटाइज होगा। अभी तक हमने 500 से ज्यादा चैनल मोनेटाइज कराए, वो भी रीयूज्ड कंटेंट वाले, मेंबरशिप में 500 से ज्यादा चैनल। आपकी एक गलती की वजह से आप महीने का 10,000 रुपए कमाने से दूर हैं, सिर्फ एक गलती की वजह से। अगर आप हमारी मेंबरशिप लेते हैं, हम आपके चैनल को रिव्यू करते हैं, देखते हैं, मोनेटाइज करवा देते हैं, तो आपके अगले महीने से इनकम शुरू हो जाएगी। इस बात को आप ध्यान में रखकर आप हमारी मेंबरशिप जरूर लीजिए। मेंबरशिप लेने के लिए आपको इंस्टाग्राम पर मैसेज करना होगा, उसके बाद ही आपको मेंबरशिप दी जाएगी। और मेंबरशिप लेने के बाद आप हमारे साथ जुड़िए, हम आपके चैनल को भी मोनेटाइज कराएंगे और ग्रो भी कराएंगे। मिलता हूं कल एक नई वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना और अपने परिवार का बहुत ख्याल रखिए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस करिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।